नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की एक योजना के बारे में, जिसमें वह कहती है कि हम हर किसान के खेतों में अब जो है पानी यानी कि जल है पहुंचाएंगे। बिहार की भौगोलिक बनावट इस तरह की है कि एक हिस्से में बरसात के समय में बाढ़ होती है तो वहीं दूसरे हिस्से में सुखाड़ की भी स्थिति होती है। ऐसे में अब बिहार सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नए नलकूप लगाने की बात कह रही है। इसके साथ साथ करीब 2,500 नए आहार और पैन की उड़ाही की भी बात कही जा रही है। वहीं राज्य की छोटी नदियों तथा अन्य जल स्रोतों पर करीब 800 नए चेक डैम बनाने और उत्तर बिहार के करीब 1,500 लिफ्ट इरिगेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत लघु जल संसाधन विभाग ने यही लक्ष्य मिला है। आपको बता दें कि सरकार ने इस वर्ष इस योजना के लिए लघु जल संसाधन विभाग के लिए मात्र 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस राशि से जितना योजना हो पाएगी उन्हें इस साल पूरा किया जाना है। जो बच जाएगा उसके अगले साल काम होगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर DPR जो है पूरा तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर बहुत ही जल्द राशि भी उपलब्ध करा दी जाएगी, साथ साथ इसका टेंडर भी करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर तकनीकी सर्वे का कार्य जो है मई में पूरा कर लिया गया था, लेकिन कोरोना काल के कारण अब इसमें जो है देरी हो गई। पहले सर्वे के अनुसार राज्य में 11,20,988 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन जो है अर्ध सिंचित है। इस खेतों पर जुड़े लगभग 38,83,000 किसानों ने बोरवेल की मांग की है। खास बात यह है कि बिजली चलित सिंचाई सेट मांगने वाले किसानों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 20,57,000 है। इसके बाद तकनीकी सर्वे में दूसरी संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। इस बीच अधिकारियों और किसानों के बीच हुई बैठक में जो योजनाएं अंतिम रूप से स्वीकृत हुई है उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत घरेलू जल संसाधन विभाग ने अपने लक्ष्य के अनुसार काम शुरू कर दिया है। इधर राज्य सरकार के द्वारा जो हर खेत को पानी योजना के लिए सर्वे का कार्य जो शुरू किया गया है उसमें किसानों की तरफ से नलकूप की मांग की गई है। आपको बता दें कि तकनीकी सर्वे की अंतिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है सरकार किसानों की मांगों के अनुसार योजनाएं भी बना रही है। योजनाओं के लिए पहले कृषि विभाग ने प्लॉट टू प्लॉट सर्वे कराया था, उसके बाद तकनीकी सर्वे कराया, के बाद तकनीकी सर्वे के लिए बनी 534 टीमों को हर प्रखंड में उतारा गया। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि तकनीकी सर्वे करने वाले अधिकारियों के पास कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट में किसानों की सलाह भी है। ऐसे में अब तकनीकी टीम को देखना है कि किसानों की सलाह कितना सही है, उस पर आगे वो काम करेंगे। ऐसे में अब कहा भी जा रहा है कि इस योजना के शुरू हो जाने से सभी खेतों को प्रचुर मात्रा में पानी मिलने लगेगा, के बाद से किसानों को वर्षा पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद किसानों की किस्मत बदल सकती है। साल 2017 में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजना में 10,000 हेक्टेयर खेतों के पानी पहुंचाने की योजना बनी थी, जिसमें प्रधानमंत्री सिंचाई योजना एवं राज्य सरकार द्वारा जलाशयों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद भागलपुर के गोराडीह, सनहौला, जगदीशपुर, शाहकुंड और सुल्तानगंज प्रखंड को चंदन व बधुआ जलाशय से पानी मिलने लगेगा। वहीं इस योजना में 82 करोड़ की राशि जो है दो जलाशयों को अंतिम छोर तक मिलाने की भी बात कही गई थी। पटवन के लिए पानी की समस्या दूर की जाए, इसके लिए 10 लाख से अधिक किसानों की किस्मत भी बदल जाएगी। इधर बिहार जैविक खेती में देश का रोल मॉडल बनेगा, जिसमें टिकाऊ खेती और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर का वो क्षेत्र अलग अपनी एक पहचान बनाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार कृषि सिंचाई को लेकर कई योजनाओं पर भी कार्य कर रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।